नमस्कार। इन बीसीएन के दर्शकों का हम स्वागत करते हैं एक विशेष चर्चा को लेकर। और विशेष चर्चा का जो विषय है आज का वो है कि नागपुर में बढ़ते हुए कोरोना के आंकड़े और प्रशासन का इसके तरफ देखना या अनदेखी करना। ये तो स्थिति स्पष्ट हो रही है कि बस टाला जा रहा है, ऐसी स्थिति है। और इस चर्चा पे मैं स्वागत करता हूँ हमारे इमरान जी का, एडिटर इन चीफ। आपका बहुत बहुत स्वागत है इमरान जी। नमस्कार। क्या विश्लेषण करते हैं इमरान आप आज की स्थिति का? जी, आज की स्थिति का अगर विश्लेषण किया जाए, अगर नागपुर की स्थिति देखी जाए, तो नागपुर पिछली बार जिस तरह से मुंबई बना हुआ था, उसी तर्ज पे नागपुर के आंकड़े बढ़ रहे हैं। और सबसे बुरी बात ये है नागपुर वासियों के लिए कि नागपुर में जितने भी हॉस्पिटल और जितनी यंत्रणा, पहले जब कुछ कम पेशेंट जो शुरुआती दौर था बताए जा रहे थे कि सत्संग में 5000 बेड ऑब्जर्व किए थे और सारी वैद्यकीय यंत्रणा सक्षम बताई जा रही थी, वो आज कहीं ना कहीं ध्वस्त हो चुकी है। बिल्कुल, पूरी तरह से जो है पूरा प्रशासनिक सिस्टम ध्वस्त होता दिखाई दे रहा है। और स्थिति स्पष्ट है कि कोरोना के आंकड़े जहां जिस तरह बढ़ रहे हैं, और उसी तरह जो मरीज है, पेशेंट जो है कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उनको किसी भी तरह से कोई भी मेडिकल एड मिलने के लिए उनकी जो एक युद्ध स्तर पर उन्हें लड़ाई लड़नी पड़ रही है। हम अपने अनुभवों के आधार पर आज इस चर्चा में बात करेंगे। एक अनुभव मैं अपना ही शेयर करूंगा इमरान जी। हमारे जो अंकल थे वो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए, उनको ऑक्सीजन की जरूरत थी ना, उन्हें हम हॉस्पिटल में सही समय पर ले जा पाए। और जब हमने जोन ऑफिस में सिर्फ इतना पूछा कि क्या हमें ऑक्सीजन कहीं से मिल सकता है, तो उनका जवाब ये था कि ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा या इसके बारे में हमारे जोन कार्यालय में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है, इस प्रकार की कोई व्यवस्था यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। हाँ, आपको अगर हॉस्पिटल चाहिए तो हॉस्पिटल के लिए हम आपको एक अलग नंबर देते हैं, उस नंबर पर आप बात कीजिए। जब हमने उस नंबर पर कॉल किया तो उन्होंने कहा कि आपको वेटिंग पर रहना पड़ेगा, हम चेक करेंगे, आपके सारे रिपोर्ट भेज दीजिए जी। ये सारे रिपोर्ट भेजने के बाद में हम तय करेंगे कि उस हॉस्पिटल पे आपके पेशेंट को हम एडजस्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मतलब अगर उनकी ऑक्सीजन लेवल बहुत ज्यादा डिटोरिएट हो रही होगी तो हम उनको अपने हॉस्पिटल में एडजस्ट नहीं कर पाएंगे। मैंने उनको ये सवाल पूछा कि क्या हम मेरे पेशेंट को मरने के लिए छोड़ दूं, इसका उनके पास में कोई जवाब नहीं था। और ये हमारी बदकिस्मती है कि शनिवार शाम उनका इंतकाल हो गया। जी हाँ, ऐसे ही कई मामले आए हैं। मैंने 2 दिन पहले एक अपने महानगर पालिका के टोल फ्री नंबर में हमने कॉल किया एक पेशेंट के लिए, तो वहाँ से जवाब आता है कि शहर में ऑक्सीजन बेड अवेलेबल नहीं है। नहीं जी हाँ, फिर उन्होंने एक हॉस्पिटल का एक जब नाम बताया, शालीनताई मेघे हॉस्पिटल में पेशेंट को अगर वहाँ लेके जाया गया, उसके बाद वो चेकअप करने के बाद शालीनताई मेघे हॉस्पिटल से बताया जाता है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है और आपके पेशेंट का ऑक्सीजन लेवल कम है। उसके बाद मैंने महानगर पालिका के जो टोल फ्री नंबर है, रात में 11:30 बजे जब कॉल किया, तो वहाँ से मुझे रिप्लाई में ऐसा बोला जाता है कि नहीं है, आपके पेशेंट को वहाँ भी रख नहीं सकते। इतना सर्वाइव करने के बाद वो पेशेंट के बारे में पूछा गया कि अब क्या करे, तो मुझे रिप्लाई में मिला कि मैंने पूछा कि ये पेशेंट को क्या मरने दिया जाए, तो उन्होंने रिप्लाई में कहा हाँ जी मरने दिया जाए। कहाँ मरे वो मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा कि यही मरने दिया जाए हॉस्पिटल के बाहर। इस तरह की बातें अगर प्रशासन के तरफ से वहां के जिम्मेदार अधिकारी नाम तक नहीं बताते। जी हमने जब उनसे कहा कि आपका नाम बताते, उन्होंने कहा कि हमें ऐसे इंस्ट्रक्शंस नहीं है, तो इस बात के ऊपर में किसका ध्यान है? कहाँ है पालक मंत्री महोदय का इसकी तरफ कितना ध्यान है? कमिश्नर जो है इनका इसमें कितना ध्यान है? ये तो समझ से परे है। और ऐसे में क्या सारी जनता के मरने पर मजबूर हो जाए? हर एक घर में एक डर समाया हुआ है, हर एक आंखों में एक डर समाया हुआ है। इसके विपरीत जो स्थिति चल रही है वो ये चल रही है कि आप घर से बाहर निकलो, जैसे ही आप मेन रोड पर आते हो, आपको 500 रुपए का फाइन ठोका जाएगा। जो पहले 200 रुपए था, अब वो उसको 500 रुपए पर ठोका। तो क्या ये 500 रुपए का फाइन लोगों की सुरक्षा करने के लिए बनाया है? जी हाँ, मेरा सीधा सवाल है कि 200 से 500 अगर फाइन कर दिया जाए तो क्या नागपुर में कोरोना कंट्रोल हो सकता है? और हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है, इसके बारे में भी कुछ ये बातें बतानी चाहिए। और अगर हम डिस्कशन देखें तो मास्क पहनने से ही मात्र आपका कोरोना कम होगा या ज्यादा होगा, ये बात तो अलग है। हाँ, नैतिक जिम्मेदारी सबकी है कि हमने अपनी सुरक्षा करनी चाहिए, हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए, मास्क पहनना अनिवार्य है, उसको पहनना चाहिए, हम सबका कर्तव्य है। लेकिन इसके लिए 500 रुपए का फाइन ठोकना, चलो 500 रुपए का फाइन ठोकने के बाद में आप सुविधाएं क्या दे रहे हैं नागरिकों को इस पर? और नागरिकों को आपने तो भगवान के भरोसे भी छोड़ के रखा हुआ है।
जी हाँ, अगर 2 महीने पहले की बात अगर की जाए तो 2 महीने पहले जिस तरह से लॉकडाउन की स्थिति में शहर में कई बेड अवेलेबल की जानकारी दी जा रही थी, कहीं 60 लाख रुपए खर्चा करके स्वामी सत्संग में 5,000 बेड का इंतज़ाम किया गया था। उसके बाद नए अलग अलग महानगर पालिका जहाँ एक श्रेय ले रही थी कि हमारे यहाँ हमने बेड की व्यवस्था की गई है, यहाँ महानगर जब भी आपातकाल महानगर पालिका के 5-5 हॉस्पिटल आपने बनवा लिए हैं, बिल्कुल, लेकिन तो आज क्यों नहीं बेड अवेलेबल, क्यों मिल नहीं रहे और क्यों आपके पास में व्यवस्था नहीं है, क्या आपके पास में मेडिकल फैसिलिटी, आपके पास में मैन पावर नहीं है जी, तो ये मैन पावर की व्यवस्था आप कब करने वाले हो? आज नागपुर में ऑक्सीजन सिलेंडर की स्थिति बहुत ही भयावह हो चुकी है, तो ये स्थिति को कब कंट्रोल में लाया जाएगा, इसके लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं या प्रयास किए जा रहे हैं? एक और मेरा ऑब्जेक्शन है इमरान, इस बात पर आप किन किन चीजों पर खर्चा कर रहे हो? आपने मुंबई से एक कमेटी बुलाई, वो कमेटी आई नागपुर में, उन्होंने अपना पूरा दिन यहाँ पर डिस्कशन किया, डिस्कशन करने के बाद में आपने एक उन्होंने जो सुझाव दिए, उन सुझाव के ऊपर में इंप्लीमेंटेशन लेवल क्या है, एग्जीक्यूशन लेवल क्या है? जी बिल्कुल, जिस तरह से मुंबई की टीम आई थी उन्होंने कहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग करेंगे, जहां कोरोना पॉजिटिव आने के एक हफ्ते बाद भी मनपा की टीम उनके घर तक नहीं पहुंचती, प्राइवेट लैब में जिस तरह से टेस्ट हुए जा रहे हैं अभी उसके आंकड़े और IMCR के आंकड़े कभी मैच नहीं हो पा रहे, इसलिए ये तो अंधाधुंधी कारोबार चल रहा है। आज आपके घर में अगर कोई पॉजिटिव पाया जाता है तो आपके घर में NMC का फोन भी कितने दिनों के बाद में आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि आप स्वस्थ हो गए, आपकी दूसरी रिपोर्ट निगेटिव आ गई, उसके बाद में फिर NMC की टीम वहां पहुंचती और बोलती है कि आपके घर में, आपके हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से आपके तरफ कोई पॉजिटिव पाया गया है आपके घर में, तो ये तो परेशानी की बात है। और उसके बाद भी अगर NMC की टीम अगर वक्त में पहुंच भी जाती है तो उसके बाद भी ये चेक नहीं किया जा सकता कि वो जो पेशेंट है वो घर में क्वारंटाइन होने के लिए उनके घर में जगह है या नहीं है। बिल्कुल, और कई पेशेंटों को जो पॉजिटिव आते हैं वो कई मेडिकल और यहाँ फोन करके पूछते हैं कि हमने दवा क्या लेनी चाहिए, कोई सजेशन नहीं मिलता। बिल्कुल, इतने अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट तो एक चीज यह है कि मैं तो यहां से शुरुआत करूंगा कि आज आपको किसी भी इमरजेंसी की जरूरत है, आप दुनिया में किसी को भी फोन लगा लो, पहले 30 सेकंड का आपको कोरोना की रिंगटोन सुनाई देती है। जी हाँ। क्या वो जरूरी है और क्या बच्चों को याद है कि क्या है वो रिंगटोन? इस रिंगटोन की वजह से जो 30 सेकंड चले जाते हैं, उस 30 सेकंड में अंदर में कितनी तकलीफ होती है, घर में पेशेंट पड़ा हुआ है, उस पेशेंट को जहां में एड की जरूरत है, जहां पे उसको जल्दी से जल्दी पहुंचना है, आपकी ये रिकॉर्डिंग सिस्टम के वजह से आपकी जो वो रिंगटोन जाती है, उस रिंगटोन से आदमी को कितना पैनिक होना पड़ता है और उसके बाद में फिर वो फोन नहीं लगता, तो ये स्थितियां इतनी भयावह होती जा रही है और हम कुछ कर रहे हैं के तर्ज पर ये ऐसी अनवांटेड चीजें, अनइम्पॉर्टेंट चीजें, अनप्रोडक्टिव चीजें के ऊपर में सरकार, मैं दोनों सरकार को बोलूंगा, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे प्रशासन हो, या यहां पर जो जिम्मेदार मंत्री हो, जिम्मेदार अधिकारी हो, सबकी स्थिति हाथों के बाहर में है। और दूसरी बात, अगर प्राइवेट अस्पताल जिस तरह से यहाँ पे लागू किए गए थे 30 से ज़्यादा हॉस्पिटल, वहाँ प्राइवेट अस्पताल की अगर बात की जाए, अगर पेशेंट वहाँ जाता है, एक तो पहले बेड नहीं मिलता है, अगर बेड मिल भी रहा है तो सबसे पहले उसको 1,00,000 रुपये 50,000 रुपये डिपॉजिट भरना पड़ता है, 24,000 रुपये पर डे रेट रखा गया है, उसके बाद कहाँ नज़र है। जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब इंसानी जिंदगी की कीमत कुछ और थी, आज इस दौर में इंसानी जिंदगी की जो कीमत है वो शून्य हो चुकी है। आज आप अगर देखें तो आज आप अगर यहाँ पर भी जाएंगे, दहन घाटों पर भी अगर जाएंगे तो वहाँ पर लाइन लगी हुई है, वहाँ का नज़ारा कुछ अलग है। जैसा कि आपने बिल्कुल सही कहा, शहर में प्राइवेट हॉस्पिटल्स में आप अपनी फाइल लेके जाते, पहले अगर वो जो कंट्रोल नंबर की आप बात कर रहे हैं वहां पर आप फोन करो तो वो बोलते हैं कि हमने इस हॉस्पिटल में बात कर ली है, इस हॉस्पिटल में आप रिपोर्ट लेके जाइए, वहां रिपोर्ट ले जाने के बाद में आपका साइकोलॉजिकल मुआयना होता है कि आप में कितना पैसा भरने की दमखम है, क्या आप वहां पर अगर पेशेंट को कुछ हो गया तो क्या हॉस्पिटल के साथ में कुछ ऊंच नीच तो नहीं करेंगे, आपका अहदा देखा जाता है, उसके बाद में उसके ऊपर में अगर वो पेशेंट की कंडीशन है तो ये आपको वहां पर दिया जा सकता है, अन्यथा आपको किसी भी प्राइवेट अस्पताल में जगह मिलने की संभावना है ना के बराबर में। और ये हम अपने अनुभव के आधार पर, हमारे घर के पेशेंट के साथ में जो बर्ताव हो उसके आधार पर हम कह रहे हैं, जब भी आंकड़े मांगे जाएंगे, पेशेंट के नाम मांगे जाएंगे, हम उसको सबूत के तौर पर कभी भी किसी के भी सामने लाने के लिए बिल्कुल कभी भी तैयार है। जी हाँ, और ये तो भी कोरोना की बात, अगर कोरोना के परे अगर हम जाते हैं, कोई पेशेंट अगर सीरियस होता है, अगर इमरजेंसी होती है वो पेशेंट की, अगर वो कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है इलाज के लिए, तो उनको पहले कहा जाता है कि आप कोरोना टेस्ट करके आए। जी जी हाँ, तो अगर जब तक उसका इलाज शुरू नहीं होगा,
तो ऐसे स्थिति में पेशेंट ने क्या करना चाहिए? इंसानियत कहाँ है? मेडिकल प्रोफेशन की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले मेडिकल प्रोफेशन में ये कहा जाता है कि सबसे पहले तो आप इलाज चालू कीजिए, इलाज चालू करने के बाद में आप फिर बाकी की जो चीजें हैं वो सेकेंडरी हो जाती हैं। जी, जैसे कि एक एक्सीडेंट के लिए लॉ निकाला गया था कि चाहे कोई भी है पहले आप हॉस्पिटल में भर्ती कराइए, उसके ट्रीटमेंट चालू कीजिए, उसके बाद में जो भी लीगल कॉम्प्लाइंसेस है वो है। अच्छा, मेडिकल प्रशासन तो सभी चूज दुरुस्त है, सभी आप पीपीई किट पहन के सारी चीजें आप पैरामीटर पे रह के अगर आप कर रहे हैं, तो मान लीजिए कि जो पेशेंट इमरजेंसी में आपके पास में आया वो कोविड पॉजिटिव है, उसकी ट्रीटमेंट तो कीजिए। ट्रीटमेंट नहीं की जाती, ये कितनी बड़ी बात है। अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाए, किसी भी अस्पताल में अगर किसी सीरियस पेशेंट को लिया जाए, वो कोविड पॉजिटिव हो या ना हो तो बात की बात है, मगर जान तो जान है, जान है तो जान है। ये ऐसा कहा गया था, हमारे देश के पंत प्रधान ने कहा था कि जान है तो जान है। मगर आज की स्थिति में जहां नागपुर की कंडीशन इतनी है कि 2300 से ऊपर पेशेंट रोज मिल रहे हैं और 40 से 50 पेशेंट की रोज मौतें नागपुर शहर में हो रही है, तो प्रशासन कहां सो के पड़ा है? अगर महापौर कहते हैं, अपने पालक मंत्री कहते हैं कि कंट्रोल में हम कंट्रोल कर रहे हैं, ऑक्सीजन लेवल बढ़वा रहे हैं, ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो नॉर्मल पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, पेशेंट को बेड नहीं मिल रहा है, कॉल कर करके पेशेंट और पेशेंट की फैमिली यहाँ पे बदस्तूर रोने पे पड़ गई है और उनका इलाज हो नहीं पा रहा, तो क्या कहेंगे आप? इन सब चीजों से हम बता दें दर्शकों को कि कोई भी वर्ग अछूता नहीं रहा है, इवन मीडिया कर्मी भी इससे अछूते नहीं है, हमने अपने कई साथी इसमें गवाए हैं। जी हाँ, और ये हमारे लिए बेहद ही दुखद स्थिति है कि जहाँ हम बात करते हैं कि हम सपोर्ट करेंगे, हम प्रशासन के बीच सरकार के बीच का एक ऐसा स्तंभ है मीडिया जो कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। बहुत सी कोशिशें की हमने, बहुत से हम लोगों ने कोशिश की कि जो जरूरतमंद है उनको हॉस्पिटल तक पहुँचा दे, कोऑर्डिनेशन करने के बाद में बहुत कुछ होने के, लेकिन अब जो स्थिति है उस स्थिति में कहीं ना कहीं एक असहायता जो है दिख रही है, और ये आज हम आपके सामने जो चर्चा कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम अपनी असहायता ये बयान कर रहे हैं, जो कि नागपुर शहर के लिए बेहद ही दर्दनाक, बेहद ही भयावह स्थिति है। जी हाँ, कुछ दिन पहले की बात आपको बता दूं कि कुछ दिन पहले हमारे प्रतिनिधि, वाड़ी के प्रतिनिधि सुनील शेट्टी जी, वो पॉजिटिव पाए गए थे, उसके बाद एम्बुलेंस लेके वो दर दर भटकते रहे, रविनगर के एक हॉस्पिटल में गए, उसके बाद अलग हॉस्पिटल में गए, उनको बेड की अवेलेबिलिटी नहीं मिली, कोई हॉस्पिटल उनको इंटरनेट नहीं कर रहा था, एक प्राइमरी स्टेज पर भी उनको इलाज नहीं दिया गया और मेडिकल पहुँचते पहुँचते उनका देहांत हो गया। इस तरह से पत्रकारों के साथ भी ये हो रहा है, और कुछ दिन पहले हमने बीसीएन के माध्यम से बताया था कि पुलिस के साथ भी कई बार बेड नहीं मिलने के वजह से भी पुलिसकर्मी मारे गए थे, जो कोरोना वॉरियर जिनकी हम तारीफ करते हैं और बोलते हैं कि कोरोना वॉरियर का सपोर्ट करना चाहिए, तो ऐसे कोरोना वॉरियर की नागपुर में 8 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। ये अभी प्रशासन सो के पड़ा है, प्रशासन ने अभी भी कहा है, अभी जो मीटिंग हुई थी, कमिटी की मीटिंग हुई, पालक मंत्री वहां पर मौजूद थे, उन्होंने कहा कि नागपुर में अभी भी लॉकडाउन की जरूरत नहीं। ठीक है, लॉकडाउन की जरूरत नहीं तो पर उसका पर्याय क्या है? पर्याय क्या फिर? कुछ तो पर्याय होना चाहिए। बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, ये बहुत बोला जा रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए, मगर उसके लिए सक्षम है नागपुर या जितने भी एनएमसी की और आरोग्य विभाग की यंत्रणाएं, क्या सक्षम है? अगर कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग नहीं होंगी तो चैन तोड़ी नहीं जाएंगी। चैन तोड़ने के लिए कहां? अगर आप मार्केट में देख रहे हो तो मार्केट में बेइंतहा भीड़ नजर आ रही है। अगर आप कह रहे हो कि रोड में हाईवेज में मास्क नहीं पहनने वालों पर फाइन मारेंगे, तो गलियारों में, ऑफिसों में, जहां जहां लोग जा रहे हैं गलियों में, वहां भीड़ हो रही है। शाम को, सुबह लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, वहां भीड़ हो रही है। लोग योगा प्राणायाम कर रहे हैं, वहां भीड़ हो रही है। वहां कोई मास्क नहीं पहन रहा। गलियों में लोग मॉर्निंग वॉक करने निकलते हैं, चार चार पांच पांच लोग गलियों में बैठे रहते हैं बिना मास्क के, वहां कोई कुछ नहीं कर रहा। लोग ऑफिसों में बैठे रहते हैं, वहां कोई कुछ नहीं कर रहा। तो क्या रोड में सिर्फ कार चालक या बाइक सवार अगर मास्क ना पहने, उसको फाइन देने से अगर कोरोना रुकता है तो बिल्कुल फाइन दीजिए, और इसके प्रूफ दीजिए कि इससे हमारे जो रेट है वो बढ़ेंगे नहीं। और कितने लोगों को मास्क पहनने से, कितने लोगों को कोरोना से सुरक्षा मिली है, इसके भी आकलन होना चाहिए। इसके आकलन महानगर पालिका ने प्रोवाइड करने चाहिए। सारे कर्मी, सारे इनके सुरक्षा कर्मी या जितने भी हैं, सारे आप एक चौक में चार चार पांच पांच आपको महानगर पालिका के कर्मी दिखेंगे, आपसे फाइल लेते। दर्द ये नहीं कि ये कार्यवाही क्यों की जा रही है, दर्द ये है कि प्रायोरिटी किस वक्त किन चीजों को देनी चाहिए,
इसके बारे में किसी के पास में कोई जवाब नहीं है, ना ही कोई आज इसकी जिम्मेदारी लेने की कोशिश कर रहा है। आज महानगर पालिका के पास में 5 हॉस्पिटल हैं, 5 हॉस्पिटल की क्या स्थिति है, कितने पेशेंट है, इसके बारे में जानकारी किसी के पास में नहीं है। हमने जब बात की तो उन्होंने कहा कि सिर्फ इंदिरा गांधी में व्यवस्था है, वहां पर भी पेशेंट है या नहीं है, कोई सीधी सीधी जानकारी वहां पर मिलने से मिलने तो कोई। आपने सभी 10 जोन में 10 कॉन्टैक्ट सेंटर बनाए हैं, कोरोना वार रूम बनाए हैं, लेकिन उसका ऐसा फायदा कुछ भी दिखाई नहीं रहा, क्योंकि उनके पास में जानकारी ही नहीं है। आप कहते हैं कि आप घर में ही ऑक्सीजन लगाइए, ऑक्सीजन कहाँ मिलेगा इसके बारे में जानकारी नहीं है। और हॉस्पिटल की जिस तरह से लूट मची है पूरे शहर भर में, वो तो देखने वाली बात होगी। हर हॉस्पिटल में जहाँ भी अगर एक आधा बेड मिलता है तो हॉस्पिटल कहता है कि 1 लाख रुपये आप डिपॉजिट जमा कीजिए, उसके बाद आपको 25,000 रुपये, 24,000 रुपये, किसी हॉस्पिटल के 18,000 रुपये, इस तरह के रेट लगाए बैठे हैं। हॉस्पिटल की जिस तरह से लूटमार हो रही है, तो पेशेंट बचाया जाए या उसको मार दिया जाए, यही जिनके पास में पैसों की स्थिति, पैसे से माली हालत खस्ता है, उन्होंने तो अपने पेशेंट को मरने के लिए ही छोड़ना है। जैसा कि आपने कहा कि आपको महानगर पालिका के कर्मी ने कहा कि ठीक है आप उनको मरने पर छोड़ दिए, तो इनकी मानसिकता कितनी मृत है, कितनी ये एक निर्दयता से ऐसा वहां से जवाब मिल रहा है, तो आप इनकी संवेदनहीनता देखिए कि इस संवेदनहीनता के साथ में नागपुर कहाँ जा रहा है। जिस प्रशासन के ऊपर में जिम्मेदारी है नागपुर की, वो प्रशासन की मानसिकता किस ओर जा रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ चर्चा का विषय ये है कि आज इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है। क्या पालक मंत्री इसकी जिम्मेदारी ले रहे हैं, महापौर ले रहे हैं या आयुक्त ले रहे हैं, क्या केंद्र सरकार ले रही है, क्या राज्य सरकार ले रही है, क्या या नागपुर एक इस तरह से छोड़ दिया गया शहर नजर आ रहा है जिसका कोई माँ बाप सरकार नहीं है, और अपने अपने ही बलबूते पर इनको ये जंग जीतनी है। लेकिन ये जंग ऐसे नहीं जीती जा सकती कि आपके पास में ना कोई हथियार है ना कोई गोला बारूद है, आपके पास में एक सुरक्षा का कवच है, लेकिन वो सुरक्षा का कवच भी कहीं ना कहीं गड्ढों से भरा हुआ और इतना सुरक्षित नजर नहीं आ रहा है। तो ऐसे स्थिति में नागपुर के क्या हाल होंगे। जी हाँ, यही मुद्दा लेके हम ये आज से एक मुहिम शुरू कर रहे हैं कि मास्क के लिए फाइन टोकने से ही कोरोना कहर थम सकता है। और इसके लिए हम हमारे दर्शकों को, आपको हमारे नंबर भी यहाँ पर, आप अपना फीडबैक भी हमें दे सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज आप हमारे इस नंबर पर कर सकते हैं। नंबर आप बताइए इमरान जी। 9133005662 इस नंबर पर आप अपना मैसेज करके व्हाट्सएप कर दीजिए, वो हम तक मिल जाएगा और आपके सुझाव हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में इंप्लीमेंट करेंगे। बिल्कुल, आपके सुझाव और आपके नामों के साथ में भी हम उनका जिक्र भी करेंगे। आप हमारे से इस अपना ऑडियो संदेश भी, आप अपने, आपके साथ में अगर ऐसी कोई घटना हुई हो, आपको कोई एड नहीं मिल रहा हो, तो वो भी आप हमारे साथ में साझा कर सकते हैं, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से आपकी जो जो ये भी दुविधा है वो हम प्रशासन तक पहुँचाएं और कोशिश करें कि एक अच्छा नागपुर बनने के लिए हम अग्रसर हो, हमारा भी योगदान हो। इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर जो नंबर अभी आपके सामने साझा किया है, वो नंबर आप अपने स्क्रीन पर भी दे सकते हैं। हम चाहेंगे कि दर्शक आप भी एक अपनी जिम्मेदारी ले, मास्क पहने, फाइन के लिए ना पहने, मास्क पहने अपनी सुरक्षा के लिए, और एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में आपको रहना है। अपनी सुरक्षा, अपने परिवार की सुरक्षा, ये इस वक्त आपकी जिम्मेदारी, क्योंकि बाहर के हालात ठीक नहीं है, आपके घर के हालातों की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं हम सब की है। ऐसी किसी चर्चा के साथ में, इसी विषय पर चर्चा के साथ में फिर हम आपके साथ में हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिए NBC News।